तो गाइस अभी 3:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक दोस्त के पास। आज तो कुछ प्लान नहीं हो पाया। सोच रहे थे कि Pushpa 2 जो शूटिंग चल रही है ना, वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। वो आज नहीं आएगा, कल आएगा वो, तो फिर कल जाएंगे उस वहाँ पे। तो गाइस अभी आ गया दोस्त के घर के सामने। तो कल जो प्लान बनाया था ना, कहाँ बनाया था, Pushpa 2 जो शूटिंग चल रहा है वहाँ पे जाएंगे, लेकिन कल नहीं हो सकता। सॉरी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो घर है ना, ये पीछे जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ना, नहीं वो बिल्डिंग मत, वहाँ नहीं रहता मैं इस तरह पे कुड़िया में रहता हूँ। ओ भाई, तेरा ही है ना ये सब, दद्दू का है, मेरा नहीं है कुछ भी। तो इन लोगों के घर ना कल बाल्य भोजन हो रहा है। कल क्या हो रहा है, बंगाली में उसको बाल्यक्षेपा बोलते हैं। हाँ बस, मतलब बालकों को खिलाते हैं उस टाइप का एक, तो वही हो रहा है। तो वहाँ तो रहना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है Pushpa जाए माँ चुदाने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कल यहाँ पे आना है, बाल्यों को भोजन करना है, भोजन करवाना है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे तो शूटिंग तो चल रही होगा ना, 3-4 दिन तो और भी लंबा जाएगा ये। तो उसमें जब तब जाएंगे, पहले सेवा करना है दूसरे लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक प्लान भी और है, आप लोग 1000 सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद दी केरला स्टोरी देखने जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएगा, केरला स्टोरी, दी केरला स्टोरी देखने। तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मूवी अगर सब्सक्राइब लेट हो गया तो मूवी वो थिएटर में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हेल्प मी आउट। निकालेगा, हाँ यही मटका है, तो इसको निकाल के कहाँ वो पानी में विसर्जन करेगा, झरना है ना हमारे वहाँ पर, हाँ नज़दीकी झरना, वहाँ पर विसर्जन करेंगे। चल चलते विसर्जन करने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे चूल्हा लाने। तो बोला था ना कि बाल्य भोजन होगा, तो भोजन के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए चूल्हा वाला सब लाना पड़ेगा। तो जो दोस्त है ना, उसका जो उसकी जो बुआ है, उनके घर में जो चूल्हा जो बोलते हैं ना, तो बहुत बड़ा चूल्हा है, तो उसको लाने के लिए अभी जा रहे हैं। चलो, तो गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं हम लोग बुआ के घर। तो ये निकल गया चूल्हा, यही है ना, हाँ ये तो छोटा ही है, और एक है, और एक है हमारे घर में, एक ऐसा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से गैस लीक करता है। तो कोई बात नहीं, तो और एक दूसरा निकाल ले वहाँ से। तो ये आ रहा है हमारा बाहुबली तो इसको लेकर फिर बैठेगा ये पीछे, और ये है मेरी रानी, जिगर का टुकड़ा। तो चलते हैं, तो यहाँ पे प्रार्थना चल रहा है। तो इसको अभी निकाल रहे हैं, ये जो मटका है ना, ये अभी विसर्जन के लिए जाएगा। तो ये निकल चुका है, अभी इसको माथे में लेके आगे चलेंगे, और हम पीछे पीछे चलेंगे। तो यहाँ से गाइस हम लोग चलेंगे वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच ही गए, वो दो देखो नीचे, वो जो झरना है ना नीचे नीचे से गए, वो वहाँ पहुँच चुके हैं, कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर चलने के बाद हम डेस्टिनेशन में पहुँच ही गए। तो गाइस आ गए फाइनल प्लेस में। तो यहाँ पर अभी इस मटके को विसर्जन करेंगे। जैसे कि मैंने हमारे घर में एक पूजा हुआ था ना, Vastu 24, उसका भी कुछ सामान जो था यज्ञ करने के बाद वो हम जो विसर्जन किए थे ना, तो ये जो मटका है वो आज महीने का जो लास्ट बोलते हैं ना, तो वो लास्ट है ना, तो इसके लिए मटका विसर्जन हो जाएगा। और जो जो पानी उतरे ना, वो लोग वहाँ पर थोड़ा डुबकी लगा के ऊपर आ जाएंगे, शायद 7 बार घूमेंगे, उसके बाद डुबकी लगाएंगे। वहाँ पे ना रहे, ये देखो ये आए, ये अभी जा रहा है डुबकी लगाने। तो डूब मत जाना, देख देखो 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 भाई, डूब मत जाना, बस डुबकी लगा के आना, ठीक है। चल वहीं पे डुबकी लगा, माथा डुबोगे
अरे उठ जा उठ जा उठ जा रे, नहीं तो उठ जाएगा। हो गया ना तेरा पानी भी खराब है, मतलब उतना भी अच्छा पानी है नहीं, देखो गंदा हो गया पानी। पानी जब हाँ पानी मतलब हो जाता है। नहीं नहीं एक्चुअली काम चल रहा है ना यहाँ पे, ये जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे एक ब्रिज का, मतलब यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा, यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है ना, तो इसलिए पानी बंद कर दिया, इसलिए थोड़ा पानी गंदा हो गया। पानी अगर कंटिन्यूसली फ्लो होगा तभी तो मतलब साफ रहेगा ना, अभी पानी बंद हो चुका है ना बहुत, इसलिए थोड़ा गंदा है। गाइस मुझे देखो, मतलब ये लोग नहा के ये लोग भीग गए और मैं पसीने से भीग गया भाई, इतनी गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। मुझे तो लगा था कि ये नदी है झरना है तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो गाइज रास्ते में जाते वक्त यहाँ पे खजूर का पेड़ देखा तो ये पक भी चुका है अभी, तो यहाँ से कुछ तोड़ लिया हूँ, अब इसको घर लेके जाएंगे और खाएंगे। तो गाइज ये प्रसाद है तो प्रसाद थोड़ा ले लेते हैं, बस 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 बस। तो ये प्रसाद है तो इसको थोड़ा प्रसाद भी थोड़ा चख लेते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं भाई के साथ फूल का पेड़ लेने, उसको पता नहीं किसके घर मतलब उगाए वो फूल, मतलब पेड़ अच्छा दिख रहा है तो उसको अच्छा लगा तो वही लाने जा रहे हैं अभी। और आज तो है बाल्य भोजन, जहाँ जाना है दोस्त के घर, थोड़ी देर बाद जाऊँगा वहाँ पर, तो अभी हम जा रहे हैं उन लोगों के पास, पहले पूछूँगा उसके बाद निकालूँगा। चलो दिखाते कौन सा पेड़ है वो, और ये वाला ये भी मस्त दिख रहा है यार, अब ये वाला भी ले लेते हैं एक दो, कहाँ। तो गाइस ये वाला है वो पेड़ जो भाई को अच्छा लगा, और ऐसा फूल उगता है उसमें, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो मैं मेरे घर में एक लगाऊंगा ये वाला, घर में मतलब बेडरूम में, भाई तो अपने बेडरूम में लगाएगा और मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगा। गाइस फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, तो अभी अंदर घुसेंगे देखते, मतलब बाहर से तो दिख रहा था खाना वाना भी बना रहे थे, तो चलो चलते हैं। मेरे दो छोटे छोटे भाई बहन, चल बहना अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी खाना बन रहा है, तो गर्मी बहुत तेज़ है यहाँ पे, टेम्परेचर तो यहाँ पे शायद कल 46 या 47 चल गया था, आज शायद 50 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे पान वान रख रहे हैं सब, जो गेस्ट आएंगे वो लोग खाएंगे ना। तो गाइस ये लोग अभी बैठ गए हैं, अभी स्टार्ट हुआ है अभी, तो मैं भी बैठ जाता हूँ इधर, इसके बाद हाँ भाई दे मिल गया प्लेट, ग्लास भी मिल गया, और इधर गाइस अभी खाना पीना हो गया, अभी निकलते घर। कल 48 डिग्री हो गया था, आज पता नहीं कितना होगा, शायद अभी तो गूगल में 42 समथिंग कुछ दिखा रहा था। अभी घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर 4 बजे फिर से जाऊँगा बैडमिंटन खेलने।